ओ भाई उतर ही गई है। बात करनी है क्या हुआ? एक मिनट पकड़ना रहीस, क्या हुआ? हमारे कर लो यार, ये कौन सी बात? बोलो देना, आप इंस्टा वगैरह किसी पे भी मैसेज कर देना, नंबर दे दो। नंबर सर, अर्जुन भैया का नंबर दे देते हैं यार। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? बताओ ना, क्या बताओ तो सही, बताओ ना सही क्या हो गया, बताओ ना सही क्या हो गया। मुझे बात ही नहीं बता, अब से बात ही नहीं। मानी की बाइक की डिलीवरी लेके बर्नआउट कैफे से जो दिल्ली में है, फिर हम वहीं से निकलने वाले हैं भाई उत्तराखंड की तरफ। तो सो हेलो गाइस, राम राम सभी को, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ यार कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है भाई मीटअप पे, और भाई मीटअप कहाँ होने वाला है। तो गाइस मीटअप, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई दिया था कि बर्नआउट कैफे एक दिल्ली में गुरुग्राम में जगह, वहाँ पर है भाई बर्नआउट कैफे। तो आप सबने वहाँ पर आना है 17 को भाई, हमारा मीटअप है और मीटअप का टाइम होगा भाई 12 से या 1 बजे के बीच। तो गाइस वो मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे आज हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। सो गाइस हमारे साथ जा रहे हैं भाई एक तो भाई अर्जुन भाई, ठीक है, एक भाई इंसेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था मानिक होने वाला भाई राजा डीसी, रहीस, शफकत, और आगे से भी हमें बहुत बंदे जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपका ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कौन है क्या नहीं। और भाई मानिक की बाइक की डिलीवरी लेके बर्नआउट कैफे से जो दिल्ली में है, फिर हम वहीं से निकलने वाले हैं भाई उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड में हम आ रहे हैं गाइस देहरादून में। तो गाइस वहाँ पे जितने भी अपने बंदे हैं तो सारे आना, अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता देंगे यार कुछ व्लॉग में कि कहाँ पे होने वाला है, और मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी वगैरह डाल दूंगा। तो जिस भाई ने मेरा इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जाके कर लो। और गाइस यार क्या कर रहे हो यार आप, मतलब पिछली बारी आपने मिलियन इतनी जल्दी करा दिए थे, अभी बस यार 500 के भी नहीं करवा रहे हो। जल्दी से जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई का मिलियन वाला चैनल डेट हुआ है। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको भाई को कि यार डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके लिए। बाकी चलते हैं गाइस, निकालते हैं फटाफट से भाई और मिलते हैं आपको आगे। आज हमने बहुत सारा सामान लेना है भाई अपनी ट्रिप के लिए, पहले लेते हैं सामान फिर निकलते हैं भाई शाम को। सो गाइस फाइनली निकल रहे हैं घर से, यहाँ पे आ चुके हैं हमारे साथ रहीस, राजा और आज शफकत, थोड़ा काम था भाई वो अंदर है भाई। और यहाँ पे चेक कर लो, ये लगी अपनी ZX9R, पर आज हम जा रहे हैं भाई ड्यूक लेके। आपको पता है जैसे हम राइड पे निकलने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो गाइस इसकी मैंने चेन वगैरह भी लूप वगैरह करवा ली थी। तो ये चेक करो भाई, देख रहे हो तगड़ी भाई लूप वगैरह होगी हुई है, बाकी जो जो भी काम था सारा करवा दिया था। और मैंने आपको बताया था भाई इसमें टेम्प्रेरी नंबर नहीं लगा था सही से, तो हमने इसका टेम्प्रेरी नंबर वगैरह भी लगा लिया था। तो गाइस अब ड्यूक को कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट, और भाई अब इसको निकालते हैं बाहर। सो गाइस फाइनली आज घर से निकल रहे हैं, और यहाँ पे चेक कर लो भाई हमारे साथ RC ड्यूक, दूसरी RC, तीसरी RC, और यार हमारा भाई रईस को भी हम सारी शॉपिंग वगैरह आज ही डन कर लेंगे। हमने ऑक्टेन बूस्टर वगैरह लेने हैं उस बाइक को भाई, नॉर्मल फ्यूल से वो चलती नहीं है भाई, और थ्रॉटल बॉडी में ऑयल वगैरह आता है, तो उसके लिए ऑक्टेन बूस्टर से भाई क्या होता है जो फ्यूल होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऑक्टेन बूस्टर यूज़ होता है। वो सिर्फ सुपर बाइक्स में ही यूज़ होता है, नॉर्मल बाइक वाले कोई भी वगैरह डालते नहीं है वो, ठीक है। सो गाइस और भी बड़ी सारी चीज़ें लेनी है, वो मैं आपको बताऊँगा भाई ट्रिप में क्या क्या चीज़ें चलती है। बाकी मैंने उसमें फ़ोन माउंट लगवाना था, फ़ोन माउंट तो भाई मिला ही नहीं, तो कोई बात नहीं बाद में लगा लेंगे। तो निकलते हैं गाइस घर से फटाफट से। तो गाइस फाइनली हम घर से निकल चुके हैं, यहाँ पे चेक कर लो अपनी पूरी गैंग आ चुकी है, और भाई इंसेन भी आ चुका है। सो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं यार गुम्मट में, तो वहीं से यार सब ज़्यादा सामान मिल जाएगा, लेमिनेशन शीट भी मिल जाएगी, ऑक्टेन बूस्टर, बंजी कॉर्ड वगैरह A to Z सारा सामान मिल जाएगा। और टाइम लगा तो भाई हम उस पर फोन माउंट वगैरह भी लगा लेंगे 10R पे, तो देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। बाकी ओ वो देखो गाइस कौन मिल गया हमें, रुक रुक मोड़ मोड़ ओए मोड़। सो गाइस यहाँ पे हमें मिल चुका है भाई अमीन भाई। अमीन भाई कहाँ घूम रहे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ और सुनाओ। काश आप मिल जाते, राइड हो जाती, तो आप किस साइड जा रहे हो? हम चक्कर लगाने जा रहे हैं गुम्मट वाली, चलो ना भाई चलो रेस करें छोटी सी, आ जाओ रेस, मेरे को बड़ा शौक है। वो जा रहा अमीन, क्या बोलते भाई करें बहुत बढ़िया चला रहा, बहुत बढ़िया चला रहा भाई, वो देखो ओ भाई साहब बहुत सेक्सी जा रहा है यार, बहुत सेक्सी जा रहा लड़का, ओ भाई बच गया था मैं भी, बहुत सेक्सी जा रहा लड़का, देख रहे हो खींच रहा भाई भाई, आजा आजा रेस आजा, क्या हार गए मान ली हार, हार जाते हो मेरे से, चल हार देख लेते हैं क्या किसने राइड करनी है मेरे साथ, क्यों अपने पीछे ही बिठाओ ना, अपने पीछे ही बिठाओ, आपके साथ राइड करनी है, मेरे साथ राइड करनी है, चलो कोई बात नहीं आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई तो बोल रही
मुझे राइड करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, पक्का आपकी दोस्त है ना भाई। अरे ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब आपकी राइड उनको अच्छी लगती है इसलिए राइड करनी है। अच्छा आओ आगे आओ, आगे आगे बिठा देता हूँ। क्या जो बोल रहे हैं राइड करनी है, क्या रहे हैं राइड करनी है? ओ भाई आ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं डर तो नहीं लगता ना आपको? पक्का ये निकालना भाई, कावा था की आ जा, कावा था की, कावा था की। तो चले फिर खींचे बाइक। हाँ चलो आ जाओ अमीन भाई, आ जाओ ब्रेस। सो गाइस जहाँ उनकी दोस्त आई हुई थी अमीन भाई की, तो उन्होंने कहा मेरे साथ राइड वगैरह करनी है, तो मैंने भाई अपने साथ बिठा दिया। हाँ नहीं मारता आपको, कहाँ मारना भाई। क्या हो गया आपको? ओ भाई लड़की की चीखें निकल रही हैं। सो गाइस यहाँ पे लग चुकी है रेस भाई, लड़की को पीछे बिठा के देख रहे हो। क्या बात है यार, क्या क्या हो गया भाई। ओ भाई ये लड़की पीछे से ना क्या चीखे मार रही है भाई। ओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ। सो गाइस क्या राइड चल रही है भाई साहब, क्या हुआ? क्यों रुको? क्यों क्या हो गया? हाँ रुको रुको साइड पे रोकता हूँ। सो गाइस पीछे से बोल रही है भाई। हाँ रोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ भाई, रोक रहा हूँ एक मिनट। सो गाइस अभी हम थोड़ी फाइटरी वगैरह मार रहे थे, लड़की भाई पीछे डर गई है मेरे हिसाब से, बोल रही है भाई रोको मुझे नहीं बैठना आपके साथ। चलो साइड पे रोक देते हैं भाई, पूछते हैं क्या दिक्कत है। ओ भाई रुकना भाई रुकना, क्या हो गया? क्यों क्या हो गया? ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या हो गया? क्यों ओ भाई उतरी गई है, क्या हुआ? मैं तो आराम से ही चला रहा था भाई, क्या हो गया? हाँ आराम से तो चला रहा हूँ। अरे आराम से तो चला रहा था मैं, क्या हो गया? अभी तो मैंने स्टंट्स भी नहीं किए आपको बिठा के। आ जाओ, नहीं आराम से चलाऊंगा, आ जाओ। हाँ पक्का पक्का पक्का, बैठ दो बैठ दो। मर जाएगी वो। नहीं मरती भाई, नहीं मरती, मत मारना, शिलांग लग जाएगी भाई। अभी यार ये डर गई है पूरे एक तरीके से। सो गाइस अभी अमीन भाई की यार दोस्त पीछे से उतर गई थी, बोल रही थी भाई मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हो भाई। अभी वापस देख लो भाई पीछे बैठ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, एक सेकंड ये देखो। करते हैं आ जाओ रेस करते हैं, नहीं करनी। सो गाइस अभी ना मैं इनको डराता हूँ, एक दो स्टॉपी वगैरह मारता हूँ, तो देखते हैं भाई इनका क्या रिएक्शन रहता है। क्या हो गया? अभी तो पहली स्टॉपी थी, अभी तो मैंने विली भी नहीं की, आगे देख के ही चला रहा हूँ, क्या हो गया? पहले हम कावासाकी पहुंच चुके हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या हो गया? कभी भी नहीं करूँगा भाई, आप मुझे यार कब से बोलती जानू के साथ राइड करने जानू। गलती होगी, मजा आया करवा दो, बाल कराओ। ओ भाई साहब लड़की तो गाइस पूरी डर गई यार, तो फाइनली हम कावासाकी पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से सामान वगैरह ले लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम कावासाकी पहुंच चुके हैं, क्या हाल है भैया जी? और भैया हाँ जी सर क्या हाल है? सो गाइस हम यहां पर आए हैं यार अपना ऑक्टेन बूस्टर लेने, तो फटाफट से देखते हैं भाई। पहले ये रही भाई चीज़ जिसके लिए हम आए हैं, और ये भाई बहुत ज़रूरी है भाई, लिक्विड मूली के स्पीड एडिक्टिव शूटर, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका एक और दे दो। तो इनकी तो भाई राइड में करके बुरी हालत होगी, तो आप तो बड़े डरपोक हो यार, मुझे तो लगा आपकी जिस हिसाब से अपने टैटू टूटू बनाए डेरिंग वाले हो गए। सो गाइस यहाँ पे रईस अपनी जीनों से देखने लगा, ये बहुत जल्दी ये भी लेने वाला है, मैं आपको पहले बताता हूँ, बाकी हमने ऑक्टेन बूस्टर वगैरह ले लिए हैं। हाँ और यहाँ पे भाई मेरा फ़ोन रहा, शफकत की बाइक ये रही, तो भाई तो हम निकलते हैं भाई इधर से, बाकी ये रहे हैं। हाँ जी बात करनी है, क्या हुआ? एक मिनट पकड़ना रईस, क्या हुआ? हमारे सामने कर लो यार, ये कौन सी बात है? बोलो गिरा दिया मेरे को, बोलो बोलो। आप आगे कोई राइड का प्लान होगा आपको तो मुझे बता दो। क्यों अभी तो आप डर रहे थे मेरे पीछे राइड करके, मतलब आप धीरे चलाना। हाँ बैठो। अच्छा
चलो अभी तो मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, राइड पे आके कभी भी होगा सीन तो बता दूंगा आपको। कॉन्टैक्ट कर देना आप, इंस्टा वगैरह किसी पे भी मैसेज कर देना नंबर। यार वो अमीन को अच्छा नहीं लगेगा भाई ऐसे, नहीं बट स्टिल यार भाई अपने दोस्त को बोल रही है साइड पे, वो क्या करेंगे इस नंबर दे दे भाई, मेरी गर्लफ्रेंड बड़ा मारेगी मेरे को नंबर। चलो मैं दे देता हूँ गाइज। हाँ सो गाइज अर्जुन भैया का नंबर दे देते हैं यार, 8715 8। हाँ जी तो ये मेरा नंबर है, सो गाइज मैंने अर्जुन भाई का नंबर दे दिया इनको तो नेक्स्ट कभी भी राइड, ठीक है सो कभी भी आज के बाद कोई राइड रूट वगैरह या किसी का भी प्रोग्राम वगैरह होगा तो भाई ये लड़की कॉल कर लेगी। हाँ ये फोन घर पे पड़ा मेरे, इस वाले का भी चाहिए ठीक। ये आपका नंबर ऊपर वाला, ठीक है तो ये आ गया, नेक्स्ट कभी भी राइड होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई चलते हैं फटाफट से। तो अमीन भाई आप इधर से भी सीधा घर नहीं कर रहे हो, अकेले देख रही है कैसी बातें कर रही है, क्या हुआ क्या हो गया क्या हो गया भाई बताओ ना, क्या बताओ तो सही बताओ तो सही क्या हो गया, बताओ तो सही क्या हो गया, आपसे बात ही नहीं कर रहा, बोलो तो सही क्या हो गया भाई। ओ भाई आपकी आपकी लड़की थोड़ी छीन ली है मैंने, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बात नहीं करनी है, क्या बोल रही है ये, क्या बोल रही है क्या बोल रही है। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये हमने ले लिया और जो अपनी लैमिनेशन वगैरह वो हम भाई गांधीनगर से ही ले लेंगे। सो गाइस अभी हम निकलते हैं इधर से, तो भाई हम मिलते हैं कल, बताएंगे आपको रात को प्लान करके बता दूंगा मैं आपको कितने बजे निकलना है। तो दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, आ रहे हैं भाई, आप तो मेरे साथ ही हो, आपके हाथ मिला रहे हो, यहाँ पे रीस को भी बाय बाय कर देते हैं, चलो मिलते हैं फिर ठीक है फुल तैयारी के साथ। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं कावासाकी वगैरह से, तो यार और भी बाकी बहुत सामान लेना है तो वो मैं सोच रहा हूँ भाई गाड़ी में ही जाऊँगा, आपके भाई के पास कोई गाड़ी है नहीं, दोस्त को फ़ोन किया कि भाई गाड़ी लेकर आ तो गाड़ी में ही चलते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइस आज की राइड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई भाई, सारे दोस्त आए थे, बाकी मैंने आपको बता दिया भाई बर्नआउट कैफे 17 को 1 बजे 12 बजे पूरे डॉट पहुँच जाना भाई, सारे आपको मिलेंगे उधर ही, और माननी की बाइक की डिलीवरी भी लेंगे साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी मेरे साथ जा रहा भाई अर्जुन भाई और भाई पीछे अमीन आ रहा है, तो राजा वगैरह सारे चले गए हुए हैं, और बर्नआउट कैफे में इतने बर्नआउट बजेंगे ना भाई, इतने बर्नआउट बजेंगे आप भी खुश हो जाओगे और हम भी, तो बहुत तगड़ी डिलीवरी होने वाली है। तो चलते हैं गाइस फटाफट से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जल्दी गाइस जल्दी से 500 के करवा दो यार। और भाई फिर हम उत्तराखंड भी आ रहे हैं दिल्ली से हो गए, तो भाई उत्तराखंड में देहरादून तैयार हो जाओ भाई, आ रहे हैं गदर मचाने के लिए। मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ भाई, पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं भाई बाइक राइडर्स को, चलो कोई चक्कर नहीं गाइस देहरादून में आ रहे हैं एक टायर पे, ठीक है तो ब्लॉग